चैनल ट्रैवल माई कश्मीर में आपका स्वागत है। आइए लेटेस्ट टूरिस्ट अपडेट्स के साथ शुरुआत करें। पहले आप सबको टीम ट्रैवल माई कश्मीर की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कश्मीर के सभी हिस्सों में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और लाइट शो के साथ मनाया गया। इसका लोकल लोगों के साथ ही टूरिस्ट्स ने भी लुत्फ उठाया। सभी जगहों पर स्थानीय और बॉलीवुड संगीतकारों ने इवेंट में पार्टिसिपेट किया। चूंकि नए साल की भीड़ कम हो रही है, गोंडोला के टिकट 5 जनवरी के बाद के अक्सर दिनों में अवेलेबल है। फिलहाल 15 जनवरी तक ही बुकिंग की डेट्स ओपन है। यदि आपके पास प्लान है तो सुनिश्चित करें कि आप पहले से बुकिंग कर लें और 15 जनवरी के बाद की तारीखों के लिए आप कंफर्म ऑन टाइम टिकट्स के लिए प्री बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे अगले आने वाले टूरिस्ट को मदद मिल सकती है। जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है, सुबह सुबह सड़कें जमी हुई बर्फ के कारण अत्यधिक फिसलन भरी हो जाती है। इसलिए सुबह के समय सावधानी से और धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर से कहे। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें दूधपथरी में घोड़ा वाले के बीच कीमत को लेकर हाथापाई हो गई थी। उस वीडियो पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ऑर्डर्स और कीमत जारी किए हैं। ड्रम फ्रोजन वाटरफॉल अब व्यूज और फोटोज के लिए पूरी तरह से खुला है। श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर लेह हाईवे दोनों तरफ खुले हैं। हालांकि रोड खराब है और ट्रैफिक में स्लो मूवमेंट है, सेफ और स्लो स्पीड से गाड़ी चलाने की रिक्वेस्ट की जाती है। टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए नाइट ट्रैवल रिकमेंडेड नहीं है। पिछले हफ्ता से घाटी में छाया रहा कोहरा खत्म हो गया है। विजिबिलिटी अच्छी है लेकिन ठंड वैसी ही है। मौसम ठंडा है और दिन के समय भी तापमान बहुत ठंडा रहता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म करने की व्यवस्था जरूरी है। अगले सप्ताह तक बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं। बाय।